आगे जींद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली भी लगी है। बदमाशों ने भी पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से पुलिस कर्मियों की जान बच गई है, लेकिन जींद में जिस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चली है, लगातार हम बता रहे किस तरीके से अलग अलग जगह पर इन बदमाशों का आतंक है। बदमाशों ने भी पुलिस कर्मियों पर जवाबी फायरिंग की है, जिसमें पुलिस कर्मियों की जान बच गई है क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। रोहतास हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। रोहतास, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। जी, उचाना के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ थी। पुलिस ने दो बदमाशों के ज्यादा काबू। वीरवार देर शाम को जींद और उचाना बीच बुड़दा गाँव के पास बदमाशों की और पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो बदमाश और पुलिस को गोली लगने से घायल हो गए थे। पुलिस का एक जवान बदमाशों द्वारा की फायरिंग में बाल बाल बच गया। पुलिसकर्मी संदीप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई होते हुए उसकी भी जान जा सकती थी। जानकारी के अनुसार जिन पुलिस ने पंजाब के खनोरी पुलिस थाने के बनारसी गांव में एक बदमाश को मंगलवार को उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश ने पुलिस को बताया कि बनारसी गांव के काड़े में दो नामक बदमाश बड़ौदा गांव के पास वारदात को अंजाम देने की फिराक में। इसकी सूचना पाते हुए देर से हम CIA टीम बदमाशों की तलाश निकली और पुलिस टीम को बड़ौदा के पास बदमाशों को लोकेट कर दिया गया। जी जी रोहतास, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।